बरगढ़ जिले में स्क्रब टाइफस स्थिति परखिले छह जनिया केंद्रीय टीम राज्यर दुई जन सदस्य रही टीम प्रथमे जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी सम्मेलन कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में जोगद भारप्राप्त सीडीएम समीक्षा करते समीक्षा पर टीम हॉस्पिटल परिदर्शन कर जिला मुख्य चिकित्सालय लैबोरेटरी प्रदर्शन कर स्वास्थ्य व्यवस्था निरीक्षण करते बरगढ़ सुंदरगढ़ सह राज्यर आउ किसी जिले में बढ़ुच्च स्क्रब टाइफस रोगी संख्या आउ यार मुकाबला केन्द्र सरकार पदक्षेप ने आरंभ कर केन्द्रीय टीम अच्छा डाक्तर समीर गुलाटी डाक्तर तुषार नाले डाक्तर धराबिसा और डाक्तर आरुषि घाई गत 22 तारीख में केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविय को चिठी लिखि केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कर रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स है वो सारे रिव्यू कर रहे हैं, डाटा जो भी है वो कंपाइल कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम जब सब डाटा कंपाइल होगा वो फिर एनालाइज करके उसके बाद हम रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। अभी तो हम सारे विजिट करके सिचुएशन एनालिसिस कर रहे हैं। सुंदरगढ़ जिलार स्क्रब टाइफस सिचुएसन बुझापी रिव्यू करने सेंट्रल टीम आसीचंते संगे आम स्टेट टीम सहयोग करमर जहाँ सब सिचुएसन अच्छी आम कही से फिजिकाली भी आम लैबोरेटरी केमती टेस्टिंग होती मैंने सब जहाँ देखार कथ से सब जिन देखुं जहाँ ओपिनियन से रिपोर्ट करेंगे। इनक्रीजिंग ट्रेंड आम अच्छी आम आशा कर ट्रेंड मैंने डाउन नॉट भी जीव कारण से आम डिटेक्ट करने फोकस करुच्छ प्रिभेन्शन आम आवेरने क्रिएट कर सब लेवल हेल्थ स्टाफ को द्वारा और लाइन डिपार्टमेंट द्वारा एने अधिक सूचना देवाई हम प्रतिनिधि सुजित साह सहित सीधासख लाइव जोड़ी होती। सुजित, जो भाई भाव में गत किदिन धरी सुंदरगढ़ जिले में स्क्रब टाइफस व्यापुची जहाँ चिंता बढ़ी और आज छह जनिया केन्द्रीय टीम आसी पहुंचे समीक्षा कले विशेषकर कौन आलोचना करागला ए रोग को नियंत्रण किसी ठोस पदक्षेप निगला कि गायत्री देखो सुंदरगढ़ वर्तमान क्रप टाइफस आक्रांत संख्या बढ़िवार लगी जदि आजिकार कथा कहवा आज 20 जन नुआ पॉजिटिव चिन्हित होती गत काली 74 जो नमूना टेस्ट होता से 20 पॉजिटिव बाहरी जदि वर्तमान सुधा सुंदरगढ़ जिले में 292 पॉजिटिव केस बाहरी से जनकर जीवन जाइए और जड़े आईसीयू में चिकित्सित अवस्था रही। देखो आज ताक समीक्षा करने आज केन्द्रीय टीम छः जनिया केन्द्रीय टीम आज्यू दुई जनिया टीम आर्तमान देखु जिते सका से पहुंची पहुँचापुर परे जो भारप्राप्त सी डीएमओ जो रही जो कॉन्फ्रेंस हॉल रही कॉन्फ्रेंस हॉल रे समीक्षा बैठक होता कि ये रोग को किपर भाव नियंत्रण कर तो जितेबले समीक्षा बैठक होता बैठक सरवापुर प्रथम से मैंने जो लैब रही सुंदरगढ़ मुख्य चिकित्सालय जो लैब रही टेस्टिंग लैब रही लैब को परिदर्शन करते से बुलाबूली करते सब जिन सब से देखरेख करते देखा परे पुणी से सीडीएमओ को सहित किसी आलोचना करते आलोचना करने से वर्तमान बरगढ़ जबार कार्यक्रम रही तो देखु सबूक सबू दिग को से समीक्षा करमती यहाँ को रोक जापर सचेतनता ही गोटे मात्र उपाय जहाँकि सीडीएमओ प्रथम कौन कि सचेतन ही गोटे मात्र उपाय यहाँ रोकवाई तो वर्तमान देखु जो छः जनिया टीम रही परिदर्शन करदर्शन करने रिपोर्ट देवे रिपोर्ट देवापर ही पुणी आहरी अधिक परिमाण में जो सचेतन कार्यक्रम कर आहरी कौन सब पदक्षेप निपर ही समस्त नजर रही कहीं से माने रिपोर्ट केन्द्र को देवे और राज्य सरकार को रिपोर्ट देवे रिपोर्ट देलापर ही पुणी नेक्स्ट पदक्षेप कौन रोक ही समस्त नजर कितु बर्तमान केन्द्रीय टीम बुली सारी समीक्षा सब कर सारी अनुध्यान सब कर सारी बर्तमान कौन पदक्षेप निपर समस्त नजर रही गायत्री। बिल्कुल, केन्द्रीय टीम आसी पहुंचे छह जनिया टीम से ओडिशार दुईट टीम रही जो भी भाव में समीक्षा कर सारा हॉस्पिटल परिदर्शन करठाकार स्थित परखिंट कि भाव में आग को ये रोग आहरी न व्यापी से नहीं कि तमाम पदक्षेप निबद्ध अवगत कराइम यापर टीम बरगढ़ जबार कार्यक्रम रही जहाँ सूचना देखते कि सब बड़ कथा लोक कि सचेतन होके कि सचेतन हे से विषय कौन आलोचना है सब आहरी एक गुरुत्वपूर्ण कथा औषध कि मजूद रखा टेस्टिंग को किभली आहरी वृद्धि से बाबद सविशेष कौन तथ्य मिलला
ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ କି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ସହିତ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଆମେ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛୁ। ନିରୀକ୍ଷଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେବୁ। ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ସବୁଯାକ ଏଠାରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛି, ଯାହା CDMO ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଯାହା କହି ଆସୁଛନ୍ତି କି ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉପାୟ କି ଯେଉଁ ସଚେତନତା, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ କି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଚେତନ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଚେତନ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ, ତ ଏହାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରେ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାତ୍ର ଉପାୟ କି ସଚେତନତା। ଯଦି ସଚେତନତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ରୋଗକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଗାୟତ୍ରୀ, ବିଲକୁଲ ସଚେତନତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର କାରଣ, ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଲେ ଯାଇ ଏ ରୋଗକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ନାଲି କୀଟ କାମୁଡ଼ିଲେ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଚାଷବାସ କାମ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି, ବିଲବାଡ଼ିକୁ ଗଲାବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଏ ରୋଗକୁ ମାତ୍ ଦେଇହେବ। ସୁଜିତ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ରାଜଧାନୀରେ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ